क्लास 11 का बायोलॉजी प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन पढ़ा था। डिवीजन के बाद हमने सभी को यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट थे, जो आइटोट्रॉपिक प्रोटिस्टेंट थे, जैसे क्राइसोफाइटा, डायनाफ्लैजिलेट और यूग्लेनाइट्स, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ने के बाद हमारा जो सेकेंड डिवीजन था वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का सेकेंड डिवीजन, जो हमारा सेकेंड डिवीजन था प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में एनिमल आते थे, एनिमल्स आते थे, ठीक है। और एनिमल्स है तो क्या वो आइटोट्रॉपिक होंगे, एकदम नहीं होंगे, कैसे होंगे, हेटरोट्रॉपिक होंगे, और हेटरोट्रॉपिक होंगे तो हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक भी हो सकते हैं, होलोजोइक भी हो सकते हैं, कुछ सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, कुछ पैथोजेनिक या फिर पैथोजेनिक या फिर आपके प्रीडेटर हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल है तो हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, न्यूट्रिशन उनका होलोजोइक हो सकता है, सिम्बायोट भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं, मतलब कि पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोअन में हमने प्रोटोजोआ को डिवाइड किया था, वो भी तीन पार्ट में, और वो किसके बेस पे था, बेस ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन पे, ठीक है। प्रोटोजोआ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, और फर्स्ट पार्ट इसका था फ्लैजिलेटा या फिर बाई फ्लैजिलेटा, ठीक। दूसरा जो डिवीजन था सार्कोडिना, और तीसरा डिवीजन था सीलिएटा। हमने अभी बोला है प्रोटोजोआ की जो यहाँ पे डिवीजन हुआ है प्रोटोजोआ का, वो किस बेस पे हुआ है, बेस ऑन लोकोमोटरी आर्गन, मतलब कि जिस हिसाब से वो चलेंगे, ठीक है, बेस ऑन लोकोमोशन, जिस वजह से वो लोकोमोशन करेंगे उसी को ध्यान में रखते हुए इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यदि प्रोटोजोआ फ्लैजिला से मूव करता है तो वो किस में रखा जाएगा, फ्लैजिलेटा में। यदि प्रोटोजोआ सार्कोडिना मतलब कि स्यूडोपोडिया से मूव करता है तो वो सार्कोडिना में रखा जाएगा। यदि प्रोटोजोआ सीलिया से मूव करता है तो वो किस में रखा जाएगा, सीलिएटा में। एग्जांपल भी हमने देखा था, फ्लैजिला सार्कोडिना का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो स्यूडोपोडिया है। एग्जांपल क्या है इसका, अमीबा। अच्छा, सीलिएटा का लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया है, और एग्जांपल क्या है इसका, सीलिया एग्जांपल है भैया पैरामीसियम, ठीक। अब बात आता है फ्लैजिलेटा का, तो फ्लैजिलेटा में आपका एग्जांपल है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, फ्लैजिला है, और इसका एग्जांपल क्या है, ट्राइकोनोसोम, ठीक है। डिवीजन की बात कर लिया हमने, फ्लैजिला की बात कर लिया, स्यूडोपोडिया की बात कर लिया, सीलिया की बात कर लिए, और उसके एग्जांपल को हम देख लिए। अब यहाँ पे हम एक एक के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं फ्लैजिलेटा, ठीक है, फ्लैजिलेटा को स्टडी करते हैं। फ्लैजिलेटा में क्या होगा,
प्लेसिलेटा आ बाई प्लेसिलेटा, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे होंगे, सबसे पहले हम इसका देखते हैं लोकोमोटरी आर्गन क्या होगा, इस चीज से वो चलेंगे लोकोमोटरी आर्गन इज प्लेसिला, ठीक है। प्लेसिला वो कितने हो सकते हैं, प्लेसिला वन हो सकते हैं, मतलब मोनो प्लेसिलेट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बाई प्लेसिलेट भी हो सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा मतलब कि मल्टी प्लेसिलेट भी हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मोनो प्लेसिलेट के का एक एग्जांपल है जो वहां पे हमने एग्जांपल लिखा है, ट्राइकोनोसोमा सोमा गैम्बियंस, पूरा नाम है ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस। इसमें क्या होता है, प्लेसिला एक ही पाया जाता है, ठीक है, और इसीलिए ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस को मोनोफ्लेजिलेट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये एनिमल है, तो एनिमल है तो इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा। जनरली ये मोस्टली अगर बोला जाए तो पैरासिटिक होते हैं, मतलब पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं मतलब बीमारी फैलाने वाले होते हैं, बीमारी फैलाने वाले। बात आई बीमारी की तो हम ये देख लेते हैं कि जो ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस है वो कौन सी बीमारी को कॉज करता है, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा, अमेरिकन शी सी फ्लाई का, ठीक है, एक नाम है अमेरिकन शी सी फ्लाई, ठीक है। ये क्या है, शी सी फ्लाई है, एक प्रोटोजोअन है, एक मोनोफ्लेजिलेट एनिमल है जिसका नाम सी सी फ्लाई। अमेरिकन वर्ड क्यों, सॉरी अफ्रीकन वर्ड क्यों पड़ा, क्योंकि ये इंडिया में ना मिलके अफ्रीका में ज्यादा, ठीक है। सी सी फ्लाई एक बीमारी कॉज करती है, एक डिजीज कॉज करती है जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, डिजीज का नाम ही है स्लीपिंग सिकनेस, इसका मतलब कोई ऐसी बीमारी है जो कि हमेशा सोने वाली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस बीमारी में जो माइंड होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, आपको बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होगी, एट लास्ट इसी तरीके से कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करेगा, एट लास्ट क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक किसी भी मैन की, किसी भी ह्यूमंस की डेथ का कारण, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और सीसी फ्लाई के बारे में, तो सीसी जो फ्लाई है उसका जो होस्ट होता है वो मैन भी होता है, ठीक है, इसीलिए इसको डाइजेनेटिक भी बोलते हैं। डाइजेनेटिक क्या मतलब होता है, वो एनिमल, ठीक है, वो एनिमल जो अपनी लाइफ हिस्ट्री, जो अपनी लाइफ हिस्ट्री दो जेनेटिक में पूरा करते हैं,
तो होस्ट में पूरा करते हैं, ऐसे एनिमल को डाइजेनेटिक बोला जाता है। ठीक है, दो होस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है वो आपका सी सी फ्लाई है, और सेकेंड होस्ट जो है वो मैन है और ह्यूमन है। ठीक है, सी सी फ्लाई क्या करती है, वो किसी भी ह्यूमन के सलाइवा में रहती है, लार में रहती है। वहां से क्या होता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो सलाइवा धीरे धीरे आइसोफेगस से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए हमारे पूरे के पूरे स्टमक में जाता है। वहां से उसका डाइजेशन होता है, ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से फिर लिम्फ में पहुंचता है, वहां से धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और एक बीमारी का कारण बनता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसकी जो ये आपका ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस है, जो मोनोफ्लैजिलेट होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर कुछ ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऊपर का स्ट्रक्चर कुछ ब्रश बॉर्डर लाइक होता है, और इसमें जो आपका फ्लैजिला है वो एक होता है, और ये यहीं से निकलता है, अटैच होता है पोस्टीरियर एंड पे, और यहीं से फ्री हो जाता है। ठीक है, यहीं से फ्री हो जाता है। कुछ ये रफली डायग्राम है ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस का। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि पूरा का पूरा ये जो आपका प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है वो क्या है। एक बार रिवीजन करते हैं, प्रोटिस्टा में सेकेंड डिवीजन है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट कहते हैं, एनिमल का ग्रुप है, इसीलिए हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि किसी और एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। होलोजोइक भी हो सकता है, मतलब कि किसी भी चीज को, किसी भी खाने को वो खुद अपने हाथों से, अपने माउथ से इंजेक्ट करते हैं। सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी डेड एंड डीकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में रह करके हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको मिला है, क्या नाम है, ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस, सॉरी क्या नाम है, सीसी फ्लाई। ठीक है, प्रोटोजोआ का डिवीजन हमने देखा था, एक डिवीजन को हमने पहले ही पढ़ लिया है, आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। प्रोटोजोआ में सेकंड डिवीजन जो है आपका वो बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिसके पास फ्लैजिला होगा उसको रखा जाएगा फ्लैजिलेटा में, जिसके पास सीडोपोडिया होगा फॉर द लोकोमोशन रखा जाएगा सार्कोडिना में, जिसके पास सीलिया होगी उसको रखा जाएगा सीलिएटा में। एग्जाम्पल है आपका फ्लैजिला में ट्राइकोनोसोमा का, सीडोपोडिया का अमीबा, सीलिया का पैरामीशियम स्लिपरी साइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, हम एक को उठा लेते हैं, फ्लैजिला को, फ्लैजिलेटा को, फ्लैजिलेटा की बात करें, भाई फ्लैजिलेटा की बात करें तो बेस्ड ऑन किस पे डिवीजन हुआ है, फ्लैजिला पे डिवीजन हुआ है। इस एनिमल में, इस ग्रुप में मोनोफ्लैजिलेट भी आते हैं, मतलब कि जिसके पास एक फ्लैजिला होता है, बाई फ्लैजिलेट भी आते हैं, जिसके पास दो फ्लैजिला होता है, मल्टी फ्लैजिलेट भी आते हैं, इनके पास दो से ज्यादा फ्लैजिला होता है। मोनोफ्लैजिलेट की बात करें तो एक एग्जांपल है आपका ट्राइकोनोसोमा गैम्बियंस, जिसके पास केवल एक ही फ्लैजिला होता है, वो कि यहाँ पे है। ठीक है, पहले बॉडी से अटैच होता है, फिर फ्री फॉर्म में होता है। उसके बाद इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटरोट्रॉफिक होता है, मोस्टली पैरासिटिक होता है, पैथोजेनिक होता है, बीमारी फैलाने वाला होता है। बीमारी फैलाने वाला जो पैथोजन है उसका नाम है अफ्रीकन सीसी फ्लाई। अफ्रीकन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जनरली अफ्रीका में पाया जाता है। डिजीज का नाम क्या है,
जो अफ्रीकन सी फ्लाई क्रॉस करता है उस डिजीज का नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रखा गया है। और इसकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है सी फ्लाई की वो डाइजिनेटिक होती है। डाइजिनेटिक का मतलब है कि दो होस्ट में कंप्लीट होती है, उसको दो बॉडी चाहिए होता है किसी भी चीज को इन्फेक्ट करने के लिए। फर्स्ट जो है वो सी फ्लाई खुद है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सेकंड हम खुद है मैं या फिर ह्यूमन। थोड़ा सा अगर डायग्राम अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर शेप होता है और उसके ऊपर कुछ हल्की सी ब्रश बॉर्डर लाइक लाइनिंग होती है, ब्रश की तरीके की लाइनिंग होती है। एक सीलिया निकलता है क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा मोनोफ्लैजिलेट होते हैं, एक फ्लैजिला निकलता है जो उसके पोस्टीरियर एंड पे पीछे वाले एंड पे अटैच रहता है और बाद में यही फ्री फॉर्म में हो जाता है। ये पूरी की पूरी आपकी प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का पूरा आपका लाइफ हिस्ट्री। थैंक यू।